मैं विजयलक्ष्मी शर्मा, आप देख रहे हैं एफटी न्यूज। पुलिस अधीक्षक मुरैना अनुराग सुजानिया द्वारा जिले में विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने हेतु अवैध शराब, अवैध हथियार, अस्थायी वाटी आदि की धरपकड़ का अभियान सरगर्मी से चलाया जा रहा है और उक्त अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक द्वारा यौवती पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, अनुविभागीय अधिकारी अम्बा अशोक सिंह यादव ने हथियारों के संबंध में प्रभारी कार्यवाही करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे और उक्त निर्देशों के पालन में मूस थाना प्रभारी द्वारा भी थाना पोरसा के समस्त स्टाफ को प्रभावशाली कार्रवाई करने के संबंध में निर्देश दिए गए थे और दिनांक 12/10/2020 को दौरान कस्बा भ्रमण मूस थाना प्रभारी यौ उप निरीक्षक धर्मेंद्र मालवीय को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि विधानसभा चुनाव में विक्रय हेतु एक व्यक्ति पतला दुबला शरीर वाला काफी अत्यधिक मात्रा में अवैध हथियार खरगोन से खरीद कर लाया है और उन्हें बेचकर इलाके में सनसनी फैलाना चाहता है। सूचना पर विश्वास कर मूस थाना प्रभारी द्वारा उप निरीक्षक धर्मेंद्र मालवीय को समुचित निर्देश दिए। उप निरीक्षक धर्मेंद्र मालवीय द्वारा मुखबिर तंत्र को मजबूत कर अवगत कराया गया कि उपरोक्त टोलिए का व्यक्ति शाम लगभग 7:30 के आसपास पोरसा अम्बा रोड पर चौराहे पर उतरकर धर्मगढ़ गांव तरफ जाएगा। उप सूचना पर विश्वास कर घेराबंदी कर नियत समय पर उपरोक्त टोलिए के व्यक्ति को एक सफेद रंग के थैले के साथ पटपेड़ा तिराहे पर पैदल धर्मगढ़ जाते हुए पकड़ा गया और उपरोक्त व्यक्ति के थैले की तलाशी ली गई तो उपरोक्त थैले में हाथ से बनी हुई 10-32 बोर की पिस्टल जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए और 10-32 बोर के जिंदा राउंड कीमत लगभग 2000 रुपए आरोपी के पास कोई विदेश लाइसेंस ना होने से जब्त किए गए तथा आरोपी संतोष पुत्र गिरोह कुशवाहा उम्र 50 साल निवासी करेरापुरा चिनौनी थाना बागचीनी को अंतर्गत। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि वह उपरोक्त हथियार खरगोन के सिगली करों से खरीद कर लाया और 40,000 रुपए में बेचने की योजना थी। आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना लिया गया तथा एक टीम अन्य हथियारों की तलाश में खरगोन भेजी जा रही है। उपरोक्त अवैध हथियारों की बरामदगी में निरीक्षक थाना प्रभारी अतुल सिंह, उप निरीक्षक धर्मेंद्र मालवी, अनिल दोहरे, रविंद्र वरैया, गजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, चालक मनोज की भूमिका सराहनीय रही। ध्यान रखने का व उसको दिखाने का काफी ज्यादा शौक है। यहाँ पे लाइसेंसी हथियारों की काफी ज्यादा संख्या है, साथ ही साथ इसके अवैध हथियारों का भी काफी मूवमेंट होता है। कई बार कई घटनाओं को खारिज करने में अवैध हथियारों का उपयोग में लाया जाता है। लोगों में भय पैदा करने के लिए भी अवैध हथियारों का उपयोग लाया जाता है। उपचुनाव हो या फिर नॉर्मल पुलिसिंग हो, उसमें हमारा प्रायोरिटी ये रहती है कि अवैध हथियारों के ऊपर नकेल कसी जाए। इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग कई अपराधियों से ये अवैध हथियारों को जब्ती हो रही है, परंतु ये अवैध हथियारों की जो सप्लाई सिस्टम है इसके तह तक पहुँचना हमारा उद्देश्य था। हमारे जिले में जो देसी हाथ के बने हुए कट्टे होते 315 बोर के कट्टे, उनकी भी रूट ट्रेस हम लोग कर रहे हैं और एक एंगल आता है हमारा जो 32 बोर की पिस्तल होती है जो कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के सिगलीगर लोगों के द्वारा बनाई जाके यहाँ पर सप्लाई की जाती है। तो उसी चेन को हम लोगों ने डेवलप किया। उस चेन में हमारे मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि संतोषी पुत्र गिरवर कुशवाहा जो कि थाना बागचीनी का रहने वाला है, करेरापुरा चिनौनी गांव का रहने वाला है, ये खरगोन से माल की सप्लाई लेके निकला है वहाँ से और अपने यहाँ पे खपाने के प्रयास में लोग ग्राहकों को ढूंढ रहा है। तो उसी सूचना पर हम लोगों ने डेवलप किया और इसको रंगे हाथों पकड़ा। धर्मगढ़ गांव के पास में थाना प्रभारी पोरसा और उनकी टीम ने मिलकर इसको घेराबंदी करके पकड़ा। जब इसको पूछताछ करी तो इसके कब्जे से हमें 10-25 बोर की पिस्तल बरामद हुई।